योगी जी सबसे बड़े गुंडे हैं। सर क्या गुंडा की गर्दी करी? इंडिया आप लोग खुद योगी जी के भक्त हो, आप खुद मोदी जी के भक्त हो। अब ये चीज गलत कह रहे हैं, हम योगी जी के भक्त। हाँ जी योगी जी ने भेजा है यहाँ पर। सुनो ये चीज गलत कह रहे हैं, हम मुसलमान के पीछे हैं ये लोग। सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा बदमाश मिस सहा है, उससे बड़ा बदमाश पूरे देश में कोई नहीं है। मस्जिद तो उल्टी मुसलमानों की तोड़ी जा रही है, बताओ कौन सी मस्जिद बनवाई है इन्होंने हमारी? मंदिर बनाया, बताओ दूसरा मंदिर कौन सा बना, मस्जिद कौन सी बनी, आप मेरे को ये बता दो। जेल में डाल देंगे मोदी जी, इतनी औकात नहीं है मैडम उनकी। मंदिर बताओ कौन से तोड़े, मुझे आप मुझे बता दो, मुझे बता दो आप कौन से मंदिर, बता दूं आपको मैं। आप बताओ कौन सा मंदिर तोड़ा? अभी जो अतीक के साथ हुआ उस पर क्या ख्याल है आपका? सही हुआ है? गलत हुआ है उसके साथ, गलत हुआ है। हम बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज से, योगी जी से। सत्ता का नशा है ये, तो जो चाहे वो कर रहे हैं ये लोग। उसके बेटे को मार तो क्रिमिनल नहीं था, वो तो गलत होया है ना। सब के बारे में बोल रहे हैं क्या? भाजपा सरकार ने क्या बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, आप मुझे बताओ? कुछ नहीं बनाया। कौन सा फ्लाईओवर बनाया, कौन सा रोड बनाया भाजपा सरकार ने? आप मेरे सारे कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं, मस्जिद बनवाए जा रहे हैं। असद बोल रहे हैं उमेश पाल, ये तो बना के लगा देते हैं तस्वीर किसी की, जिसम किसी का, अखिलेश को, अखिलेश को जा रहे हैं जी। कह रहे हैं कि अपराध जो है वहाँ पे ज्यादा बढ़ गए थे, अभी सीट पे बैठे तो अपराध तो बढ़ेंगे। योगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल में देखे तो मुख्यमंत्री वो है। लेकिन अखिलेश को चाहते हैं, अखिलेश ने बहुत सुविधा करी थी पहले। सिर्फ गुंडों के ऊपर चलाया जाता है, गरीबों की बस्ती है रही, गाजियाबाद में पूरी उजाड़ी थी। अच्छा, लेकिन अवैध कब्जा होता है वो तो। वह अवैध गरीब कहाँ जाएंगे जब उनको क्वार्टर बना के दे दे, अवैध नहीं होंगे। सरकार वो तो सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं, बताओ किसका साथ दिया है, किसका विकास किया है, मुझे आप बता दो ना मैडम। कौन सा विकास किया आप मेरे को बताओ ना मैडम। आप जन सुनिए मैडम, आप जनता का सर्वे कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ कौन सा विकास किया है, कौन सा फ्लाईओवर बनाया है, कहाँ के रिबन काटे? तो माननीय अखिलेश यादव जी, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के काम सारे पास हुए हुए हैं, उनकी सरकार में काम हुए हैं, ये तो आके योगी जी रिबन काट रहे हैं। आप एक मीडिया तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल लेता हूँ मैडम। देखो ओवैसी जी जो है, देखो वो एक सम्मानित नेता है, हम उनके लिए कोई वर्ड यूज करना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी अपनी खुद की पार्टी है। मैं खुद ऑलरेडी मैं भी हूँ किसी पार्टी से, लेकिन मैं इस मीडिया के सामने जारी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मीडिया आप लोग खुद योगी जी के भक्त हो, आप खुद मोदी जी के भक्त हो। अब ये चीज गलत कह रहे हैं, हम योगी जी के भक्त। हाँ जी योगी जी ने भेजा है यहाँ पर। सुनो ये चीज गलत कह रहे हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, आप है पार्टी से, हम मैं पार्टी से जुड़ी हुई नहीं। सुनो मैं ये चीज रोकूंगी, मैं यहाँ किसी पार्टी की उससे नहीं आई हूँ, मैं खुद से आई हूँ, अपना चैनल चलाती हूँ, तो आप ये चीज नहीं कह सकते मुझे। मैं लोगों का ओपिनियन जानने आई हूँ। लोगों का सर्वे कर रहे हो तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। देखो बीजेपी से रिलेटेड मैंने आपसे पूछा ना कि क्या दिक्कत है, आप बताइए। मैम सुनो, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, आप बीजेपी से रिलेटेड नहीं हो क्योंकि आज की मीडिया जितनी भी मीडिया है टोटली बीजेपी का प्रचार कर रही है, किसी और का प्रचार ही नहीं करती। वो तो आपका अपना चैनल है, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका चैनल काफ़ी तरक्की करे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैडम देखो, जैसे उसका जो लड़का था असद तो एक बेकसूर गया है, असद की कोई गलती नहीं है, माफिया तो उसका बाप था, उसके बाप से बदला लेना चाहिए था ना योगी सरकार को। एक युवा को मारने की क्या मिला उन्हें, युवा को मारने वो असद नहीं की। अब फिर आप उसे बोल रहे हैं कि अपराधी नहीं है। सुनो मैडम, उमेश पाल की हम नहीं कह रहे सर, अब इतने सारे मीडिया चैनल में आया है, वीडियो वायरल। सुनिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, एक सत्ता का नशा होता है तो सरकार जो बोलेगी जनता वही बोलेगी। अच्छा हाँ, क्योंकि ये सत्ताधारियों की सरकार है, मीडिया वही बोलेगी जो सरकार बोलेगी। क्या कह रहे हैं सर? जनता नहीं, मीडिया वो बोलेगी जो सरकार बोलेगी। जो सरकार से कहेगी वो मीडिया दिखाएगी, वही मीडिया पब्लिक को बताएगी। अच्छा, उसके आगे की तो कोई मतलब मीडिया कर रही है सब कुछ, मीडिया कर रही है, गोदी मीडिया कर रही है सब कुछ। तो सर जो भी सच्चाई है झूठ होता है वो तो मीडिया ही सामने लाती है, आप मीडिया सच्चाई तो सामने नहीं ला रही है, यही तो मीडिया का। जो आपने किसी सरकार से सवाल किया हो, आपका कोई ऐसा इंटरव्यू है जो हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड पर जा करके ग्राउंड पे लोगों की समस्या देखते हैं। आप तो जनता से ही सवाल, जनता की समस्या जाननी सही नहीं है। जनता की समस्या जानना तो जनता अपनी समस्या बता तो रही है कि वीडियोस लोगों जो लीडर्स हैं उन तक जाती है। सर ये क्या कम चीज है? आप भी तो मंत्रियों तक जाते हो सबके पास, आपने कभी उनसे एक सवाल किया है? कह रहे सर यही तो दिक्कत है, मीडिया जो है ना जनता को गुमराह कर रही है। ये एक बात बताओ, आप कह रहे हो, जनता कह रही है, सारे हमारे आरएसएस के भाई कह रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत अच्छा कर दिया। क्या अच्छा कर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? क्या पुलिस के सामने कोई हमें विकास तो कहीं? आप मुझे बता दो, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ईडी भी लगी हो तो कहीं भी, क्योंकि मैंने पूरा उत्तर प्रदेश घूम रखा है मैडम, आप मुझे ये बता दो कहीं भी एक ईट लगी हो, एक खरंजा बना हो कहीं भी? कुछ नहीं हुआ। अखिलेश जी के राज में, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने के राज में ये पास हुए थे, अब जनता का रुझान बदल गया। चुनाव की बात करते हैं, 24 में 4 अखिलेश यादव आए। देखिए मैम, अखिलेश जी को समर्थन मैं दूंगा उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन देश के लिए राहुल गांधी जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री। राहुल गांधी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से भी मैडम, क्योंकि उनके घर वालों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको तो जेल में डाल दिया है मोदी ने। यही तो मैडम सत्ता का नशा है, आप बात को ही तो नहीं समझ पा रहे। ये केजरीवाल जी को उठा लिया, इन्होंने 6 घंटे बिठाया, क्या कर लिया केजरीवाल का इन्होंने? एक एक बाल टीका नहीं कर पाया उसका, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बिठा लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बिठा पाएंगे। मतलब फुल चल रही है, फुल बदमाशी चल रही है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है झूठों की। सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा बदमाश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है, उससे बड़ा बदमाश पूरे देश में कोई नहीं है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि अमित शाह जो है गुंडे हैं। मैडम राहुल जी कह रहे हैं ये तो हम सबको पहले ही पता है मैम, सबसे बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा कांड जो हुआ था गुजरात के अंदर, बताओ किसका दिमाग था इसके अंदर, आप मेरे को बताओ। क्लीन चिट मिली थी ना अमित शाह को, सारा माइंड अमित शाह का था, क्लीन चिट मिली है सर। इनके गवर्नर ने कश्मीर के ने दिल्ली में आके प्रदर्शन किया था, उसको भी उठा के इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके बात खोल देता इनकी वो, ये लोग तो जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसको ही उठा के बंद कर रहे हैं, किसी की संस्था छीन रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, ये सत्ता का नशा ले रहे हैं, सत्ता का मजा ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने पे लगे। 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है आप मुझे बताओ? इसमें सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ के घोटाले में सबसे बड़ा हाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कर मोदी जी का है। ये तो सिर्फ गरीब को गरीब करे जा रहे हैं, मालदार को और अमीर करे जा रहे हैं। गरीबों के लिए जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा। तीन ही मालदार हैं इनके, इनके लिए कौन थी? सिर्फ तीन ही मालदार हैं जिन्हें वो मालदार करे जा रहे हैं। सर कौन है बता भाई, कौन है? कौन है सर तीन मालदार? अंबानी जी, मुकेश अंबानी, जो इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, और आपका जो 20,000 करोड़ लेके भगे हैं मोदी, नीरज मोदी है, बहुत सारे लोग हैं मैडम। ये तो सत्ता का नशा, सत्ता का के चक्कर में तो राहुल गांधी का जेल भेज दिया उन्होंने, बोला था सारे मोदी चोर क्यों। सुनो 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 मैडम, सुनो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों तैयार है जी की इतनी औकात तो होनी चाहिए, हम उंगली तो उठाए राहुल जी एक किसी को भी जेल में डाल देंगे मोदी जी, इतनी औकात नहीं है मैडम उनकी, उन्हें जैसे जनता ने उन्हें ऊपर कुर्सी पे क्यों डाल देंगे सर, किसी को भी डाल देंगे, डाल देंगे। आप डेमोक्रेटिक बदमाशी चल रही है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर लोकतंत्र है, ऐसे कोई क्यों डाल देगा? डेमोक्रेसी तो सारी नाश हो रही है, डेमोक्रेसी का ही तो नाश कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र होता तो विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी सरकार चलती है, और विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने गलत काम किए हैं इसीलिए डाल। नहीं नहीं, गलत काम क्या किया उन्होंने, 70 साल राज करा है कांग्रेस ने, क्या कर रखी है, क्या है सर बताइए। अगर हमारा किसी से मुकाबला है, अगर हमारा किसी से मुकाबला है तो मुकाबला दो तरीके से होता है, या तो मैदान में होता है या आमने सामने होता है। ये तो बंद करके मुकाबला कर रहे हैं, सबको कमजोर करके बंद करके तब मुकाबला कर रहे हैं, ये कहाँ की मर्दानगी है? चुनाव आते ही है जो तानाशाही शुरू हो जाती है, और पूछ कर रहे ताकि हमारे टक्कर में कोई। बिल्कुल 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 यही है। हाँ जी बोलिए। जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर 500 कुछ रुपए का आता था, 600 रुपए का होते ही स्मृति ईरानी अपने कपड़े फाड़ती थी हमेशा, अपने कपड़े फाड़ने के रोड पे बैठती थी धरने प्रदर्शन पे। इसका जवाब मैं आपको दूं जो लोगों ने कही है मुझसे, मैं तो बता रही हूँ अपनी ओपिनियन। कह रहे ठीक है 500 रुपए था, ठीक है आज 1200-1100 है, लेकिन आज आपके घरों पर आ रहा है सिलेंडर, आप कॉल करके बोलते हैं आपके घर के बाहर। मैडम जब भी हमारे घर पे आ रहा था, भी आता था। इतने से थे मैडम, हम बचपन तुम्हारा हमारे घर पे आता था हमेशा, हमेशा से घर पे आता था। अगले दिन घर आ रहा है अपना आप जी भैया। अभी एक आदमी की जो मजदूर है 500 रुपए की वो है उसकी दिहाड़ी, और 600 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया, 50 किराया लग जाता सर, की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये तर्क देते हैं भाजपा वाले। तो घर की लॉकडाउन में बीमारी लेगी जनसंख्या को, तो कौन सर जनसंख्या भी भाई सर चाइना को पीछे
पीछे कर दिया है हमारे भारत। सुनिए, कर दिया है भारत ने, कोई दिक्कत नहीं है, लोग कमा के खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। लॉकडाउन में कितने आदमी गए हैं, जिनके घर से गए, मेरे घर से 4 मेंबर गए। मेरे दिल से पूछो ना, जिसका जाता है दुख उसको होता है। इस सरकार को क्या दुख है? इस सरकार ने तो बाहर से पैसा ले लिया। एम हम राशन इतना नहीं खाते, हमारा 117 किलो वजन था लॉकडाउन से पहले, आज तोल के देखो ना, हमारा 85 किलो वजन है। हाँ, हमारे 4 मेंबर घर के गए, हम तो रोज, हमें तो वही नजर आते हैं। हाँ, हम अपने परिवार की सोचेंगे कि इनके राज की सोचेंगे? ये तो लड़ा लड़ा के वोट ले लेंगे। हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, राज कर रहे हैं। कौन कर रहा है सर हिंदू मुस्लिम? बीजेपी कर रही है। हमारे मुंह से आपको पता नहीं है क्या? आप इससे पहले नहीं होता था क्या? इससे पहले नहीं होता था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई, आप भाई नहीं है, आप तो ये काट रहे हैं जड़ों को। अभी भी तो भाई भाई हैं। कहाँ भाई है, इन्होंने कहाँ छोड़ा भाई? अगर आरएसएस वाले खत्म कर रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर, एक बात आप मुझे बताइए, दिल्ली शहर के अंदर कभी भाई भाई है और कोई नहीं है? क्यों भारत में सर सब रह रहे हैं, सबका भारत है, ये बस भाई और कोई भारत नहीं है। मोमडंस के लिए भारत नहीं है, मोमडंस को भगाना चाह रहे हैं ये।